सर भाई कैसे हैं, खैरियत से? फहद 321 चैनल है मेरा, फहद 321 के नाम से भाई का चैनल है। रजब हमसे रिक्वेस्ट है भाई, इंशाल्लाह ये टॉप पे जाना चाहिए रजब भाई वीडियो। रजब भाई की जो भी पब्लिक है, फैमिली है, वो पहुंचा दे इसको टाइम पे मेरे जान, इंशाल्लाह ताला भाई आपको सब्सक्राइब और लाइक यूट्यूब पे। नदीम भाई यार बोल दिएगा लाइक और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करें भाई को, यार बड़ा प्यारा दोस्त है ये, बहुत शुक्रिया। कैसे खैरियत से आप? बोले लाइक भाई कर दें भाई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो, जो कर सकते हो मतलब, अच्छा करना, बुरा मत करना। फहद 321 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी हमारे यहाँ यूट्यूबर्स आए हैं, लगभग सबको खुश रखें, सबकी फैमिली को खुश रखें, और इंशाल्लाह ताला सबको कामयाबी दें। जो फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए पढ़ो, एक बार भी उस कलाम का जो आज के शब्द के हवाले से पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, नूरी में फिर चादर नूर की और आज की रात। अस्सलामु अलैकुम। ये जो नुमाइंदगी अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त हमारे पास है, तो मैं पूरे शहर की तरफ से JDC उसके रुए रवा जफर अब्बास भाई को, उनकी पूरी टीम को आज इस कदर पुर रौनक, पुर शिको और एक पुर वकार महफिल मुनक्कद करने पर, लैलतुल कद्र के मौके पर, शबे कद्र के मौके पर, इस मुबारक घड़ी पर, इस इतने बड़े शहर शहरी के महफिल और इज्तिमा को यहाँ पर यकजा करने पर दिल की गहराई से सबसे पहले तो जफर अब्बास और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। फिर यहाँ जो मेरे भाई सीनियर और जूनियर नाथ खां मौजूद हैं, उन्होंने भी यकीनन आपके सामने आज की इस बाबरकत घड़ी की रौनक, इसकी फजीलत और इसकी बरकत को बढ़ाने में अपना हिस्सा जरूर डाला होगा। मैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूं कि ये भी आज यहां कदम रंजा हुए और इन्होंने भी इस महफिल की रौनक में इजाफा किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत और सिंध सूबाई हुकूमत और सिंध की बल्दिया के मेयर, उनकी तरफ से मुश्तरका तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप किसी पसो पेश के बगैर इतने मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों के दिलों से जफर अब्बास और JDC की मोहब्बत को खत्म या कम नहीं किया जा सका। ये बात खुद अपनी जगह पर किसी मौजजे से कम नहीं है। अरे दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, एक कराची का बेटा और उसकी पूरी टीम जिसमें पूरे सिंध के पाकिस्तान के बेटे मौजूद हैं, हर जबान बोलने वाला उसकी टीम में है, हर मसलक का शख्स उसकी टीम में है, और उसकी जो गरा कदर खिदमात है उसको सराहने की बजाय, उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे बिला वजह अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। अरे तुम अपना काम करो, जफर अब्बास और JDC को अपना काम करने दो यार।
एक दूसरे के कामों को कॉम्प्लीमेंट करो, एक दूसरे के कामों को सपोर्ट करो, ना कि एक दूसरे के मुकाबले में उतराओ और एक दूसरे की अच्छी बात को सराहने की बजाय सिर्फ एक दूसरे की किसी नादानिश्ता अगर कोई ऐसा कमजोर पहलू है उसको राय का पहाड़ बनाकर लोगों के सामने इतने सालों की मेहनत को मलिया मेट करने की कोशिश करो यार, अल्लाह के वास्ते ये काम ना करो, अल्लाह रसूल का वास्ता ये काम ना करो, आज की इस बड़ी रात का वास्ता ये काम ना करो यार। हौसला पैदा करो, कॉम्पीट करना है तो कॉम्पिटिशन बढ़ाओ, इससे अच्छा काम करके बताओ, क्या ख्याल है, इससे अच्छा काम करके बताओ। वो सियासी आदमी नहीं है, इंतखाबात हुए बल्दियाती सूबाई कौमी जफर अब्बास तो कहीं पर भी उसमें उसने कहीं पर कोई दखल नहीं दिया और उसके बावजूद आप लट लेके उसके पीछे पड़े ना भाई, अल्लाह के वास्ते ये काम ना करें। इस शहर में ये एक यकजहती का मंजर है और खुदा की कसम मैं हर रमजान में कम से कम एक या दो शहरी पर यहाँ आता हूँ, लेकिन आज लैलतुल कदर और शबे कदर के मौके पर ये शहरी का इंतजाम है, ये पुर रौनक कुर्सियों और पुरवकार जो महफिल सजाई गई है, ये शायद पूरी इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी शहरी की महफिल है और सबसे बड़ा शहरी का इज्तिमा, इससे बड़ा इज्तिमा आज तक नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने गूगल पर देखा है, मैंने हर जगह ढूंढा है, लेकिन इतना बड़ा इज्तिमा कहीं पर नहीं हुआ। तो शहर के मेयर को कहना चाहिए और मेयर को जो जो बीएमसी में हसबे इख्तदार मुर्तजा वहाब है मेयर है और हसबे इख्तलाफ हाफिज नईमुर रहमान है, अरे दोनों को मिलकर करारदाद मंजूर करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम बजा तौर पर शहर कराची माशाल्लाह से देख सकते हैं आप लोग आज खड़े हो गए डिफेंस और टिक्के की मंडी चेक करें माशाल्लाह से, अरे सब को एक कर दिया वीआईपी सेटअप के साथ एक कर दिया ना, अरे तो अगर माशाल्लाह लग रहे हैं टिक्के, टिक्के माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। सारे खैर करना छोड़ दे, शहरी कराना छोड़ दे, माफ ले सकते। सुनिए देखिए माफियाज का होल कैसे, खाली ये चेक करें आप लोग। मैं इस शहर में अपना खून का टेस्ट कराने गया एक खैराती इदारे की लैब, खैराती इदारे की लैब में, किसी सेठ की लैब में नहीं, तो वहां पर मेरा जो एचबीएलसी टेस्ट हुआ उसकी कीमत 17 रुपए 4,500 रुपए का हुआ। मैंने फैसला किया इस शहर में फ्री खून के टेस्ट करने के लिए, हमने अरबों रुपए की 8-8 अरब रुपए की 2 मशीनें उतारी, अभी एक बहुत बड़ी मशीन और आ गई है, अभी 5 महीने हो चुके थे लैब बने में। तो हमने सिंध गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि हम ये चाहते हैं सिंध में 18 लैब्स खोली जाए, 9 कराची में 9 सिंध के दीगर शहरों में और पूरे सिंध में खून का टेस्ट फ्री कर दें। 18 लैबों का खर्चा महीने का आएगा 1-1 करोड़ रुपए हर लैब का, जिसकी अगर वैसे मालियत देखी जाए जो लैब कर रही है, हम जिस टेस्ट की 7 रुपए आपसे मांग रहे हैं आधे पैसे हम मिलाएंगे 7 रुपए 14 रुपए, उसके आप शायद 4,500 का आधा 2,500 दे रहे होंगे। हमने कहा 1 करोड़ रुपए एक लैब का महीने का खर्चा और पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री हो जाएंगे। तो पता है प्रोपेगेंडा कैसे करवाया जा रहा है, किन लोगों से, जिनके अपने 8-8, 6-6, 5-5 प्राइवेट अस्पताल हैं, जिनकी अपनी जाती लैब्स हैं, उनसे कैसे प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है कि ये देखें एक लैब का 2,500 मांग लिया, किसने मांगा 2,500 भाई, 18 करोड़ रुपए 18 लैब का 18 महीने एक महीने का खर्चा, अगर उसको साल पे जरूरत दोगे 2.25 अरब बनेंगे। पाकिस्तान में क्या दुनिया में हर मुल्क पाकिस्तान में हर दूसरी एनजीओ को ग्रांट मिलती है, सही है भाई, जिनके आपने एनजीओ के नाम नहीं सुने उनको ही मिलती है। हमने क्या ऐलान किया कि पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री कर देंगे, तो उसको झूठ बना के फैला रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। मैंने जवाब उत्तर नहीं दिया, सारे एविडेंस मौजूद है, क्या जमा कराया था सिंध गवर्नमेंट ने, क्या मांगा था उनसे, और क्या जिस आईडी को चेक करेंगे
एक ही तंजीम निकलेगी। मैं खुद परेशान हूँ, तुम्हें क्या खौफ है फारूक भाई, सही बात की तुम करो काम यार, हम तो कंपटीटर किसी कर ही नहीं कंपटीशन इस क्या कह रहे यार कुछ नहीं आपके तौर करें सुन से आज यहाँ पर कैसे खैरियत से आप उन्हें लाइक बाइक कर दें भाई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो, जो कर सकते हो कर दो, अच्छा करना बुरा मत करना, मौका दें हमने ये सब भाई। एक सेकंड फोटो के लिए, एक सेकंड भाई थोड़ा साइड में जा, तू आ जा यार, दिस इज शाबाश कॉलेज, दिस इज असलम रशीद साहब है, असलम रशीद साहब नदीम भाई आप बोल दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करें भाई को, यह बड़ा प्यारा दोस्त है ये, बहुत शुक्रिया, खत्म मुख्य जा रहे हो आपको, मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ आने वाले वक्त में, क्या आप भी गवर्नर नजर आ रहे हैं मुझे, जिस तरह आपके अंदर माशाल्लाह कॉन्फिडेंट लेवल है, जिस तरह आपके बेहतरीन अंदाज में कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ी बात पूरी सोशल मीडिया की मेन जो क्रीम है वो सारी आपके आसपास मंडरा रही होती है भाई, तो आने वाले वक्त में सियासत में आएंगे या थ्री टू वन चल रहे मेरा बोले हम जरा थ्री टू वन पिले सब्सक्राइब और लाइक यूट्यूब पे फहद 3-1 माशाल्लाह ऐसे हमारे कमांडो खड़े हुए देखे, हम SSU के कमांडो खड़े हुए यहाँ पे सारे, देख सकते हैं माशाल्लाह साहब नसर भाई विजिट करवा रहे हैं, टिकटॉकर जुल कर रहे हैं ना, हमें यूट्यूबर भी है, टिकटॉकर भी है, नदीम नानी वाला है, बोल देगा फहद 3-1 को लाइक सब्सक्राइब कर दे, 321 को फहद 3-1 321 को लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू अच्छा भाई कैसे हैं खैरियत से, फहद 3-1 चल रहे हैं मेरा, फहद 321 के नाम से भाई का चैनल है, रजत हमसे रिक्वेस्ट है भाई इंशाल्लाह ये टॉप पे जाना चाहिए रजत भाई वीडियो, रजत भाई की जो भी पब्लिक है फैमिली है वो पहुंचा दे इसको टाइम पे इंशाल्लाह ताला भाई, आपको जितने भी हमारे यहाँ यूट्यूबर्स आए हैं लगभग सबको खुश रखें, सबकी फैमिली को खुश रखें और इंशाल्लाह ताला सबको कामयाबी दें, तो ये माशाल्लाह जा रहे हैं देख सकते हैं हम लोग नमाजी भाई हमारे, और हमारे नमाज निकल चुकी है, लेट हो गए हम लोग, ये माशाल्लाह से बच्चे बैठे हैं हमारे इत्तेकाफ में, देखें कितने शरीफ बच्चे हैं, इत्तेकाफ में भी कैसी अलग जगह था, कैसे खैरियत से आप इत्तेकाफ वाले बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह से, और अली कैसे हो, और भाई कितना टाइम हो गया आपको, माशाल्लाह अपने बच्चे भी बोले लाइक करने का, अब तो हो जाए लाइक माशाल्लाह से देख सकते हैं ये हमारी मस्जिद अलग, ये माशाल्लाह से देख सकते हैं आप ये मदीना मस्जिद है, केरिया मार्केट बेहद माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत लगी, इस पर जो काम हुआ है चेक करें आप,
और लाइटिंग भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है। मस्जिद तो सारी अच्छी है, मगर मस्जिद को खूबसूरत लगा, घर है ये हमारा और यहाँ के डेकोरेट तो यहाँ के लोग ही करते हैं ना मस्जिद, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लग रही है मस्जिद।